महादेव, हैप्पी नवरात्रि एंड हैप्पी ईद। सो आज आपके प्यारे आई नेट फाउंडेशन चैनल पे एक और नया टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं साक्षी मैम के साथ, जो कि आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ाती हैं और आपको बोर करती हैं। उनके साथ हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस। सीईटी का एक और टॉपिक हमने डिस्कस किया है हमारे चैनल पे, वो है कॉम्प्रिहेंशन। सो जिसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। और हमारे टेलीग्राम के चैनल पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जिसको आप सॉल्व करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट्स होता है तो फिर से हमसे बात कर सकते हैं कमेंट्स के थ्रू, टेलीग्राम्स पे मैसेज के थ्रू, इट्स अप टू यू, क्योंकि आपसे कनेक्ट होना हमें बहुत पसंद है। चलिए हम अब आगे बात करते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस। अच्छा, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस एग्जैक्टली है क्या चीज़, हमें बहुत अच्छे से पता है। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जब तक ट्वेल्थ में थे आप लोग, तब तक आप लोग को अच्छा नहीं लगता था। क्या नहीं अच्छा लगता था? इंग्लिश पढ़ना। अरे इंग्लिश है भाई, कर लेंगे। आई विश आप कर लीजिए और आप कर लेंगे, मुझे बहुत भरोसा है अपने बच्चों पे। लेकिन स्टिल थोड़ा सा हमें अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। हमारे सेंटेंस फॉर्मेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर। अब सब्जेक्ट में क्या क्या काउंट होता है? सब्जेक्ट में काउंट होता है नाउन और प्रोनाउन। मुझे नहीं लगता कि नाउन और प्रोनाउन में आपको कोई डाउट होगा। वर्ब में क्या काउंट होता है? हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। थोड़ा सा डॉट्स बनाने में दिक्कत है तो मैं ऐसे लाइन खींच दे रही हूँ। और अदर में काउंट होता है रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस, यानी कि हम कह सकते हैं उसको ऑब्जेक्ट और सारी चीज़ें। अब मुझे नहीं लगता है कि इन सारी चीज़ों में कोई भी डाउट होगा कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है। ये सिंपल फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है, इसे ये आपको ऑलरेडी पता है। लेकिन स्टिल अगर आपको एक क्विक रिवीजन चाहिए तो मैं शॉर्ट्स ज़रूर प्रोवाइड करूँगी टेलीग्राम इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब तीनों ही चैनल्स पर, जहाँ भी आपको चाहिए। सो अब हम आगे बात करते हैं। अब हमें रीअरेंजमेंट करना क्या है? रीअरेंजमेंट देखते हैं, चार सेंटेंसेस है और सब सही लगते हैं, तो गलत क्या होगा स्पेशली? तो गलत होने के लिए दो तीन ट्रिक्स हैं, तीन स्टेप्स हैं जो आपको चेक करना है, और उसके बाद आप रीअरेंजमेंट ऐसे ही चुटकी बजाते ही कर लेंगे। सो फर्स्ट स्टेप क्या? अब मुझे थोड़ा सा कलरफुल चाहिए तो मैं कलरफुल लेती हूँ। तो स्टेप नंबर वन है हमारा कि ये देखना है कि जो सेंटेंसेस दिए हुए, यानी ऑप्शन दिए हुए हैं, जहाँ पे आपके सामने एक एग्जाम्पल दी हूँ मैं, जिसमें है रीअरेंज द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ठीक है, अगर आप ऐसे पढ़ोगे बिना ऑप्शन के तो बी ए सी डी पढ़ेंगे अगर इन एनी फॉर्म विदाउट द रिटन परमिशन, तो ये अलग टाइप ऑफ सेंटेंस क्रिएट होके आएगा। मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि हमें जो सेंटेंस फॉर्मेशन करना होता है वो पॉजिटिव फॉर्म में करना होता है। ठीक है, आपके डाउट्स को और क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन रख रखा है, जिसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है नो पार्ट ऑफ दिस पब्लिकेशन मे बी, सेकंड दिया हुआ है इन एनी फॉर्म विदाउट द रिटन परमिशन, सी दिया हुआ है ऑफ द पब्लिशर्स ऑफ द बुक, एंड डी दिया हुआ है रिप्रोड्यूस स्टोर्ड और ट्रांसमिटेड। अब एग्जैक्टली कौन सा स्टेटमेंट जो है वो क्लियर है ये तो मुझे पता नहीं है। देखिए, मैं थोड़े अभी भी इतने दिन से क्लासेस लेने के बाद भी मैं इस बोर्ड को यूज करने में बहुत ही खराब हूँ। और सच पूछिए आप, अगर मैं आपको सच बताऊँ बीइंग अ टीचर आपके, तो मुझे जो है ना वो पता ही नहीं है कि इस बोर्ड को यूज़ कैसे करना है। मैं बहुत ख़राब हूँ अभी तक, ये तो बड़ा बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा है मुझे थोड़े से। एक्चुअली बीइंग अ फीमेल मुझे थोड़ा सा छोटा छोटा प्यारा प्यारा लिखने और दिखाने की आदत है, तो फिर मैं वापस से स्टेप नंबर वन जो है वो आपका इरेज कर चुकी हूँ। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि हमारा एक सबसे पहला रूल है कि हमें जो इनमें से गलत है वो बाहर करना है। ठीक है, सो द फर्स्ट स्टेप विच वी आर गोइंग टू फॉलो इज कि जिसमें डाउट लग रहा है उसको कर देना है क्रॉस। और डाउट किसमें किसमें लगेगा? देखिए, अगर हमारा जो ऑप्शंस दिए हुए, यानी सेंटेंस फॉर्मेशन दिया हुआ है, सेंटेंसेस दिए हुए तोड़ के, उसमें अगर हमारा आता है प्रेपोजिशन कंजंक्शन और मोडल्स, इन तीनों में से अगर कोई एक चीज आती है तो सबसे पहले हमें सोच लेना है कि वो पहला सेंटेंस तो किसी भी हाल में नहीं होने वाला है। मैंने वैसे भी रेड क्रॉस लगाने के लिए, यानी कि खतरा दिखाने के लिए, मैंने रेड पर कलर का यूज किया है। तो अब खतरा दिखाती हूँ, तो प्रपोजिशन क्या होता है? प्रपोजिशन ये होता है जब कोई भी चीज की नाउन प्रोनाउन या ऑब्जेक्ट की हमारे हमें सिचुएशन बताई जाती है कि वो कहाँ पे है। कंजंक्शन क्या होता है कि दो सेंटेंसेस को ऐड करने के लिए जिस वर्ड्स का यूज होता है वो कंजंक्शन होता है। मॉडल वो वर्ड्स होते हैं जो कि किसी भी स्पीकर की फीलिंग्स को बताने के लिए काम यूज में लाए जाते हैं।
तो अब हम बात करते हैं प्रीपोजिशन की। तो अब हमें दिख गया कि यहाँ पे प्रीपोजिशन इन लिखा हुआ है, तो हटाओ इसको, सबसे पहले इसको काट के बाहर करो, यानी कि जिसमें जिसमें बी ऑप्शन पहले दिया हुआ है ये दोनों ऑप्शन हमारे नॉन एलिजिबल हो गए। अब दूसरा क्या दिया हुआ है, हमारा क्या दिया हुआ है, कंजक्शन दिया हुआ है, ऑफ जो है हमारा एज एन कंजक्शन यूज होता है, तो इसको भी हमने हटा दिया, यानी कि सी से हो स्टार्ट होने वाला भी स्टेटमेंट हमारा क्या है। मैं थोड़ा ऊपर करी जिससे आपको क्लियर दिखे, क्या दिख रहा है आप लोगों को, आप शायद क्लियर होगा, ठीक है। तो देखिए कंजक्शन से प्रीपोजिशन से हमारा एक स्टेटमेंट स्टार्ट का मैंने हटा दिया, यानी कि बी बी से, बी से कोई भी स्टेटमेंट, बी वाला स्टेटमेंट पहला स्टेटमेंट नहीं हो सकता, तो इसलिए बी से जो भी स्टेटमेंट्स थे वो मैंने हटा दिए। दूसरा मैंने क्या स्टेप फॉलो किया, ये तीन चीज इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। दूसरा मैंने स्टेप क्या फॉलो किया कि मैं, मेरे को देखना कंजक्शन, क्या कंजक्शन दिया हुआ, हाँ कंजक्शन दिया हुआ है, तो कंजक्शन भी मैंने हटा दिया, तो कंजक्शन से स्टार्ट होने वाला भी ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं हुआ। अब बचा क्या, ए डी बी सी वाला ऑप्शन, यानी कि अब हमारा क्या आंसर है, नो पार्ट ऑफ दिस पब्लिकेशन में भी रिप्रोड्यूस टोर्ड्स और ट्रांसमिटेड बी इन एनी फॉर्म विदाउट द रिटन परमिशन सी ऑफ द पब्लिशर ऑफ द बुक। ये हमारा स्टेप नंबर टू हो गया। अब स्टेप नंबर वन हो गया, जिससे कि हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ये आपको दिमाग में रखना है कि प्रीपोजिशन क्या है, कंजक्शन क्या है, मोडल्स क्या है। अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए होगी तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और मैं उसकी वीडियो आपको शॉर्ट्स में प्रोवाइड करूँगी, जिससे कि रिवीजन करने में आपको कम टाइम लगे, क्योंकि एग्जाम अबाउट टू कम है। अब सेकंड स्टेप है हमारा कि आपको दूसरी चीज़, जैसे कि मैंने आपको पहले ही लाइन में बताया, सेंटेंस फॉर्मेशन सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर, यानी कि जो पहला वर्ड हमारे स्टेटमेंट का होगा वो होगा सब्जेक्ट। मैं थोड़ा कलर पसंद करती हूँ चेंज करना इस बार फिर से, तो मैं ब्लू लेती हूँ। और सब्जेक्ट क्या है मेरा, सब्जेक्ट हमारा हमेशा होता है या तो नाउन, यानी कि किसी का नाम, जैसे कि मेरा नाम साक्षी है, आप भी अपना नाम कमेंट कीजिएगा, जिससे कि मुझे पता चले कि मेरे कितने बच्चे हैं जो मुझसे पढ़ रहे हैं और मुझसे बोर हो रहे हैं। थोड़ा थोड़ा मैं मानती हूँ इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, बट फ्रूटफुल है ये। और दूसरा है प्रनाउन, यानी कि इंस्टेड ऑफ मी, यहाँ पे मैंने मी यूज़ करा, मी भी एक प्रनाउन है, तो मेरे नाम की जगह जो भी वर्ड यूज किए जाते हैं वो प्रनाउन होता है, जैसे कि ही शी इट दे ये स्टेप नंबर टू फॉलो करना है। अब मैं क्या करने वाली हूँ, अब मैं क्वेश्चन आपके सामने दूसरा रखने वाली हूँ जिसे हम सॉल्व करेंगे। मैं आपके लिए ऐसा नहीं करने वाली मम्मी की तरह कि खाना पका के आपके सामने दे। हमने अब एक क्वेश्चन सॉल्व किया, अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हम देखेंगे हमने रूल क्या पढ़ा था कि जो स्टेटमेंट है वो हमारा नाउन से स्टार्ट होगा। अब पहले हम पढ़ते हैं हमारे पास स्टेटमेंट क्या क्या है। स्टबर्नली रिफ्यूज्ड द थीफ ऑलमोस्ट, ये बी स्टेटमेंट है, हिज हैंड्स अप ऑन ही वुड शूट, और इसे ये डी स्टेटमेंट है, व्हेन द पुलिसमैन टोल्ड हिम। अब हमारे चारों स्टेटमेंट में आपने एक चीज नोटिस की होगी कि द थीफ ऑलरेडी दिया हुआ है, यानी कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो ऑलरेडी मेंशन किया गया है। अब हमारे पास ऑप्शन है कि जो बी स्टेटमेंट से स्टार्ट होगा वो वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो। यहाँ पे हमारे डायरेक्टली हमें करेक्ट आंसर इस स्टेटमेंट का मिल गया, कोई सोचने की बात नहीं थी कि यहाँ पे हमें नाउन, प्रीपोजिशन कंजक्शन इंटरजेक्शन प्रीपोजिशन कंजक्शन एंड मोडल्स देखना है कि नहीं देखना है। हमें सब्जेक्ट पहले मिला और हमारे पास कोई टेंशन नहीं है, क्यों अच्छा है ये ऑप्शन करेक्ट करने के बाद हम एक बार रीचेक भी कर सकते हैं अपना ऑप्शन, और आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी ऐसे ही आने वाले हैं, तो हम एक बार रीचेक करते हैं। द थीफ ऑलमोस्ट stubbornly refused, जो चोर था उसने जिद करके मना कर दिया। क्या मना किया, when the policeman told him to keep, जब policeman ने उससे बोला कि his hands up or he would shoot, कि अपना हाथ ऊपर करो नहीं तो मैं तुम्हें क्या शूट कर दूंगा। चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं और एक और आपका डेमो देते हैं क्वेश्चन का, और इसके बाद आप अपना क्वेश्चन खुद से करने वाले बच्चों, ठीक है। और आपके क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया कि टेलीग्राम चैनल पर हम प्रोवाइड कर देंगे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है, Until they have come, जब तक कि वो नहीं आए, some take no thought, किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा, to the end of it, उसके अंत तक, of the value of time, यानी कि time का value। मैं थोड़ा सा अच्छे से समझाने के लिए कह लीजिए या फिर थोड़ा सा और ब्यूटिफुली इसको दिखाने के लिए मैं कह रही हूँ। अच्छा अब ऑफ क्या है हमारा, ऑफ है हमारा, बताइए जल्दी, ऑफ हमारा है कंजक्शन, जो कि हमारा स्टेटमेंट ऐड करता है, यानी कि ये जो डी ऑप्शन था ये रॉन्ग हो गया। अब डी से स्टार्ट होने वाला स्टेटमेंट यानी कि ये भी किसी काम का नहीं है, उड़ा दो इसको। अब बात करते हैं अंटिल, यानी कि जब तक, सम टेक नो थॉट टू द एंड ऑफ इट। अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचा ना, हमारे पास यहाँ पे मोडल्स है क्या,
मोडास 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 नहीं, मुझे तो मोडास नहीं दिख रहा है, मोडास नहीं है। प्रीपोजिशन दिख रहा है क्या हमें? प्रीपोजिशन अंटिल भी नहीं है। टू क्या है हमारा बताइए, क्या है? टू द एंड ऑफ इट, उसके अंत तक। टाइम का सम, टाइम के बारे में बता रहा है ना कि उसका एंड हुआ, उसके अंत तक। तो क्या ये सही है? अच्छा, अब मैं पढ़ती हूँ ऑप्शंस। पहला वाला पढ़ती हूँ, ए सी डी पे। तो सम टेक नो थॉट, कि कोई भी कुछ भी नहीं सोचता। टू द एंड ऑफ इट, कोई भी अंत तक कुछ नहीं सोचता, ऐसा नहीं है। पहले शुरुआत ही नहीं हुई तो अंत कहाँ से होगा, ठीक है? तो ये भी मैंने ऑप्शन को कहा कि चलो चलो निकलो यहाँ से, तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। अब बी ऑप्शन के बारे में हम पढ़ते हैं, ऑफ द वैल्यू, सॉरी, टू द एंड ऑफ इट, टू द एंड ऑफ इट सम टेक नो थॉट। हाँ, उसके अंत तक कोई ये नहीं सोचता। अरे क्या नहीं सोचता, भाग जाए यहाँ से, तुम भी किसी काम के नहीं हो। अब बी वाला ऑप्शन है हमारा, बी डी सी है, यानी कि सम टेक नो टाइम। सम क्या है हमारा? सम इनडायरेक्ट नाउन है, तो सम इनडायरेक्ट नाउन हो गया। दो तरीके से हमारे ऑप्शंस करेक्ट हो गया, और हमने रीचेक करके आंसर इसको किया हुआ है, इस सॉल्यूशन को, तो ये क्लियर हो गया। सम इज अ नाउन, नाउन किस सेंस में है, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल को बता रहा है, प्रोनाउन की तरह बता रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ से इतने तीन क्वेश्चन सॉल्व करके, और तो सिर्फ दो और तीन ट्रिक से आप लोगों को मैंने जितना मैं बता सकती थी आपको एलाबरेट कर सकती थी, और आपके लिए रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस इजी कर सकती थी, मैंने किया है। और अभी आपको जो भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं अपनी वीडियोज़ को और अपने पढ़ाने के तरीके को और इनहैंस करूँ आपके लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए। सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।